प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही मजेदार डिबेट लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू कासमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत के मशहूर पत्रकार रोहित शर्मा जी, और चाइना से उन्हें ज्वाइन करेंगे सुमित जैन साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत पाकिस्तान और चाइना के रिश्तों पे बहुत ही गहरी पकड़ और जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जितनी एंटरटेनिंग होगी उतनी ही नॉलेजेबल होगी। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आप इसे लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ आपके जाने पहचाने सुमित सर हैं चाइना से और रोहित सर हैं दिल्ली से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोग आए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कॉल करने के लिए। ये आपने ड्रेस जो है ये क्या वो ज़कात में मिली है? नहीं, ये अलग अलग पीसेज है ना। ये बोल रही थी मुझे कि बाहर जो है ना वहाँ पे कोई फड़ी वाली मार्केट लगती है, वहाँ पे कोई कपड़े पड़े थे उनको सबको काट के इन्होंने जोड़ के बनाई है। आप लोग कोई खौफ करें, ये मैंने दुबई से ली है और जितने की ये है ना उसमें मतलब दोनों के सारे कपड़े भी बेच दूं ना तब भी पैसे पूरे नहीं होंगे। तो आप ये मत करो कि आपने खरीदी है, देखो खरीदी है। इन्होंने बड़ी क्लियरली बोली है कि हम इन्होंने ये जो ड्रेस है इतनी महंगी है, जो हमारे सारे कपड़े बिक जाएंगे तो भी ये नहीं आ सकती। दैट मींस इन्होंने ये प्रूव कर दिया इन्होंने खरीदी नहीं है, किसी ने दे दी है। नहीं 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 नहीं, यही बात तो कई बहुत सारे लोग प्रूव करने पे लगे हैं कि आरजू जी की 26 लाख इनकम है, और आप इसको बोल के प्रूव कर रही हैं कि आरजू जी की 26 लाख इनकम है। मुझे तो जलन होती है, देखा धुआं निकला। जो लोग मुझे 26 लाख का ताना मार रहे हैं वो पूरे इंडिया को चूना लगा रहे, 16,500 पाउंड मांग के, और आप लोग भेज भी रहे। खैर, अब मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है कि आप लोग ढक्कन होते जा रहे हैं, इनको बात कोई बात होता है, बड़े बड़े देशों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है। लेकिन बिना ढक्कन की शीशी कैसी, हम शीशी है, ढक्कन से अपने आप आता है, उसके साथ फ्री आता बात। अगर हम करें, कल फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, एटम बम भी हमारे पास, क्या कहेंगे आप उनके इस स्टेटमेंट को? कौन पूछ रहा है, किसको पूछ रहे हैं? आपको पूछ रही हूं सुमित सर, आपका नाम से पूछे यार, सुमित मेरा नाम थोड़ी है। नहीं, कई बार होता है ना कि देखो नीचे रोहित शर्मा लिखा है, नाम चेंज नहीं किया अभी तक। आरजू जी, पहली बात ये साहब होगा आपका, ये फारूकी, हमारा कोई साफ सूफ नहीं है। हमने तो वैसे भी इसका जो फंड था वो 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया था इसका। ये साहब आपके लिए होगा, फारूक साहब हमारे लिए नहीं है और ना ही था ना ही कभी होगा। दूसरी बात, जो ये धमकी दे रहा है, धमकी तो नहीं दे रहा है बेचारा, अपना ही रोना रो रहा है कि यार पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, बल्कि वो यही कहने की बात कर रहा है कि 2019 से इसमें जो चूड़ियां पहनी हुई हैं बुरका डाल के अपने ही घर में बैठा हुआ है, बाहर भी निकल नहीं पा रहा। फारूक की बात कर रहा हूं मैं, तो ये अब ये बोल रहा है कि भाई मैंने तो चूड़ियां डाली हुई हैं, बुरका भी डाला हुआ है, पाकिस्तान ने नहीं डाला। वो भी पाकिस्तान ने क्या कर लिया 2019 से, वो भी तो बुरका डाल के बैठे हुए हैं वहां पर, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो ये अपना ही दुखड़ा रो रहे हैं, अपना रोना किसके पास रोए, इसलिए रोना ऊपर से और धोना नीचे से जारी है और जारी ही रहेगा जब तक ये ऊपर ना चले जाएं। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पाकिस्तान ने चूड़ियां डाली हैं नहीं डाली हैं, एटम बम, ये बम दूसरा बम है जिसमें से धुआं निकलता है इनके पिछवाड़े से, ये वो वाला बम है। तो ये जो बोल रहे हैं कि उनके पास भी एटम बम है, हु केयर्स, और पाकिस्तान के पास कितना पावरफुल बॉम्ब है वो हमें शेख रशीद ने बता दिया था, पाव पाव 25 ग्राम 50 ग्राम ऐसे, तो पाव पाव के एटम बॉम्ब है इनके पास, तो हु केयर्स। नहीं सर, वो भी है लेकिन बड़ा वाला बॉम्ब भी है, इसलिए हमें अंडरस्टिमेट ना करें। लेकिन रोहित, क्या जरूरत है फवाद चौधरी की बात कर रहे हैं? नहीं, क्या जरूरत पेश आ गई कि उनको पाकिस्तान का नाम लेना पड़ा, या ये पॉलिटिक्स चल रही है, फारूक अब्दुल्ला वही आदमी है जिन्होंने जब टेररिज्म शुरू हुआ था तो सबसे पहले बोला था कि पाकिस्तान पे अटैक कर दो,
ठीक है, उन्होंने ये बोला था कि कश्मीर जो है वो इंडिया का है और वो ये मेरी जन्मभूमि है, अगर इस पर एक भी आदमी मरता है, हालांकि अगर एक भी आदमी मरता है तो वो मेरी जिम्मेदारी है। हालांकि जब टेररिज्म स्टार्ट हुआ था फारूक अब्दुल्ला में जब कश्मीर में, तो फारूक अब्दुल्ला गोल्फ खेल रहे थे लंदन में, ठीक है, ये भी बोला जाता है। जिस दिन वो 1990 वाली रात जिस दिन ये सारे के सारे कश्मीरियों को भगाया गया था उधर से कश्मीर से, उस दिन फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं छोड़ सकते उससे। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैसेकर एंड द एक्सपोर्टर्स ऑफ कश्मीरी पंडित, ये वही आदमी है। लेकिन इन्होंने बहुत सारी देशभक्ति की बातें भी बोली है, मैं वो नहीं डिनाई कर सकता। जहां तक बात ये कि अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, तो 71 में कौन सी पहनी थी? 71 में भी तो बोल रहे थे हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, सीधी सी बात। अगर पाकिस्तान बोलता है बोल रहे हैं उसके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, करगिल वॉर से पहले न्यूक्लियर टेस्ट हो गया था, हमें पता था, पाकिस्तान को भी पता था, और इसी प्रिजम्पशन पे करगिल वॉर हुई थी कि हम दोनों न्यूक्लियर एसेट्स वाले कंट्री हैं, अब वॉर नहीं होगी। सर वो पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन क्यों बने हुए हैं, वो पाकिस्तान के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रही हूँ। नहीं इट इज नॉट दैट ही इज नॉट बिकमिंग द स्पोक्स पर्सन, मैं उनके ऊपर कोई इस तरीके का आरोप नहीं लगाना चाहूंगा, वो इंडियन है, मैं उनके ऊपर वो मुझे फक्र है कि वो इंडियन है, ठीक है वो, और मुझे उनपे भी फक्र है, वो इंडिया के बहुत सीजन लीडर है, लेकिन वो अपनी एक मजबूरी की वजह से बोल रहे हैं। इलेक्शन सामने खड़ा है, वो कश्मीर के वोट चाह रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक चाह रहे हैं, और उनकी पहली नजर है। अगर वो इतने ही मुसलमान हैं तो उनकी बेटी ने शादी किससे की थी? चलो वो पर्सनल मैटर है, बेटे की शादी हिंदू से हुई, ठीक है, चलो वो पर्सनल मैटर है, मैं उसको नहीं लेना चाहता, आई डोंट वांट टू ब्रेक अप। लेकिन ये बात कि फारूक अब्दुल्ला कुछ बोल रहे हैं कि वो हमें पाकिस्तान, उनके बेटे ने भी बोला कि वी शुड टॉक टू पाकिस्तान, भाई हम लोग बात करेंगे लेकिन हमारे एक कंडीशन है कि टेररिज्म खत्म हो। कल परसों तो उड़ी में अटैक हुआ, हम कितने दिन तक अपने जवानों को मरवाते रहेंगे? तो ऐसे नहीं चल पाएगा। एंड फारूक अब्दुल्ला हैज बीन एडवोकेटिंग इट फॉर लॉन्ग। इलेक्शन सामने हैं तो ये सारे बोलते हैं बात करो, इलेक्शन खत्म हो जाता है फिर बोलते हैं पाकिस्तान पे हमला कर दो। ये लैंग्वेज चेंज फारूक अब्दुल्ला की हो या महबूबा मुफ्ती की हो, ये होती रहती है। एंड एक चीज और, फारूक अब्दुल्ला एंड महबूबा मुफ्ती बोथ हैव लॉस्ट ग्राउंड, दोनों ने ग्राउंड लूज किया। अभी नहीं, पहले हमने देखी फारूक अब्दुल्ला जब इलेक्शन जीते पिछली बार लोकसभा का 6% 8% टर्नआउट, 8% टर्नआउट पे एक आदमी जीत रहा है तो कम से कम उन्हें उनके अपने वोटर्स 8% नहीं है, मतलब ऑपोजिशन वाले को भी तो मिले होंगे। व्हाई देयर इज नॉट अ मेजर टर्नआउट, 50% 60% टर्नआउट, 70% क्यों नहीं हो रहा है? प्रॉब्लम ये लूज कर चुके हैं, अपनी ग्राउंड लूज कर चुके हैं, दे आर ट्राइंग टू रीगेन द लॉस्ट ग्राउंड बाय इनसाइटिंग इन चीजों को बोल के ये अपनी ग्राउंड को वापस लाना चाहते हैं। लेकिन अभी तक सुमित सर किसी भी ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, कम से कम मेरे सामने से न्यूज नहीं गुजरी जो मैंने कोशिश की चेक करने की, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इलेक्शन का थर्ड फेज शुरू हुआ है, सतपाल मलिक को फोन किया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देंगे किसकी थी, जो बोल रहे थे कि देखो ये ब्लास्ट हुआ है पुलवामा, अब इसका ब्लेम पाकिस्तान पे जाएगा और मैं गवर्नर था। एक बार उनको फोन करो ना, वो ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन सभी सर थर्ड फेज शुरू हुआ है और उसके साथ ही ये अटैक जो है वो भी हुआ है जिसमें 5 लोग जख्मी हुए हैं, 1 की जान गई। आपको लगता है कि ये कुछ इलेक्शन का ही सिलसिला है या ये रूटीन में कुछ हो रहा है जो मतलब कश्मीर में होता रहता है? पहली बात यह कि कश्मीर में होता रहता था ना कि कश्मीर में होता रहता है, दोनों में बड़ा फर्क है। 2019 के बाद ये बड़ा ही छुटपुट से इंसिडेंट्स हैं जो हमारे यहाँ पर हुए हैं। दूसरी बात यह है कि क्या ये इलेक्शन के साथ रिलेटेड है? तो आप ही के जो न्यूज़पेपर्स हैं उसकी एक रिपोर्ट थी जो मैंने कल ही देखी है, जहां पर जो पाकिस्तान आर्मी है वो बुखलाई हुई है कि हमारा जो जिहाद का एजेंडा है पूरे दुनिया में, हमने एक्सपोर्ट करने की दुकान जो खोली हुई थी वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ती जा रही है, हमें सारे जो ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिहाद की इनको इकट्ठा करना हमें पड़ेगा, जिसमें जैश है यानी कि आइसिस है प्लस जैश ए तैयबा है, इनको सबको रीएक्टिवेट करने के लिए आर्मी जो पाकिस्तान आर्मी है इसके जनरल्स या इसके जो लोग होते हैं वो इनके अंदर भर्ती किए जाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और
जो जैश ए तैयबा है और आईसिस है, इनको दोनों को इकट्ठा करके इंटरचेंजेबिलिटी की जाएगी और उसके बाद अटैक किए जाएंगे भारत में और इलेक्शंस के अंदर इंटरफेयर अब करने की नौबत आ गई है, क्योंकि बीजेपी जीत रही है, मोदी जी लैंडस्लाइड विक्ट्री से आ रहे हैं, इसलिए उनकी रफ्तार को रोकने के लिए और कांग्रेस को जिताने के लिए हमें ये काम करने पड़ेंगे। अभी दो दिन पुरानी रिपोर्ट थी और अगले दिन ये अटैक्स का ये हमारे पास न्यूज आ जाती है। तो हमें पता लग गया एक चीज तो ये कि जो पाकिस्तान आर्मी करवाना चाहती है वो उन्होंने अंजाम दे दिया है, एक अटैक करवा दिया, फर्क नहीं पड़ता, क्यों, इलेक्शन का टाइम है, उन्हें मालूम है कि अभी कुछ नहीं होगा, जवाब मिलेगा 4 जून के बाद, वेट तो कीजिए। बिल्कुल, खैर देखते हैं 4 जून के बाद क्या होता है। खैर ये एलिगेशन है जो आप लगा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन भारत पाकिस्तान इस वक्त जो है वो मैं भेज सकता हूँ, मैं आपको प्रूफ भेज सकता हूँ एंड यू विल हैव टू सी दैट रिपोर्ट, और मैं रिपोर्ट मुझे भेजिएगा बिल्कुल। लेकिन बहरहाल मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त ट्रेड करना चाह रहा है भारत के साथ और इस किस्म की चीजों को यकीनन रोकना चाहिए। लेकिन रोहित, इलेक्शन कैसा चल रहा है, क्या क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी आ रही है, थर्ड फेज शुरू हो गया, मतलब क्वेश्चन आपने जज्बात बदल दिए भाई साहब, नजरिया बदल दिया, सही कौन सी पार्टी आ रही है, मैं ये बोल रहा था जो एलिगेशन सुमित साहब ने लगाया, इस एलिगेशन पे मैं एक चीज बोल रहा हूँ, वो एलिगेशन है, मैं मान रहा हूँ इस हर चीज को एलिगेशन ही बोला जाता है, चाहे प्रूफ हो या ना हो, लेकिन हमने प्रूफ पहले बहुत दिए पाकिस्तान को, वही प्रूफ जो डेविड गोलमैन हेडली के खिलाफ दिए गए थे, वो 11 सितंबर अटैक के, 26/11 के दिए गए, यानी कि मुंबई अटैक के दिए हमने, वो पाकिस्तान ने एक सीधे सीधे उसके ऊपर क्रॉस मारा के यार बकवास, ये एविडेंस हम नहीं मानते, उसी एविडेंस सेम एविडेंस पे अमेरिका ने 30 साल से ऊपर की सजा कर दी, वही डेविड कोलमैन हेडली को, और माना ना ताकि एविडेंस माना, उसकी कोर्ट ने दी, अमेरिका ने भी ऐसा की नहीं कि मोदी जी का फोन चला गया था क्या कर दो, उसकी कोर्ट ने दी ना, तो एविडेंस हम कितना भी दे रहे, पाकिस्तान ने तो उसे स्क्रैप में फेंकना ही है। अब आते हैं दूसरी बात कि क्या सिचुएशन है, इलेक्शंस आर गोइंग फाइन, पहले दो फेजेस में आज एक वोटिंग चल रही है, पहले दो फेजेस में हमने टर्नआउट लो देखा था, आज का टर्नआउट सुपर है, आज का टर्नआउट बहुत बढ़िया है, अब तक मेरे को अभी इस समय तक का टर्नआउट नहीं पता है, लेकिन सुबह के पहले 3-4 घंटे की जो पोलिंग थी बहुत अच्छी थी, शाम तक उम्मीद है ये पोलिंग 60-70 क्रॉस करेगी, यूपी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में थोड़ी कम थी, लेकिन जहां पे भी 60-65-67 से ऊपर गई तो हम बहुत क्लियरली बोल सकते हैं कि बीजेपी इज विनिंग, बाकी जगह कांटे की टक्कर है, लेकिन आज जो वोटिंग हो रही है वो खगड़िया जो है, वो खगड़िया वाला रीजन जो है वो सम्राट चौधरी का, शकुनी चौधरी का, सम्राट चौधरी बीजेपी चीफ है बिहार के उस रीजन से, देन जो हम लोगों ने मध्य प्रदेश तो लगभग पूरा और राजस्थान गुजरात तो पूरा ही बीजेपी का, क्लियरली कुछ एरिया जैसे कर्नाटका का भी शिमोगा एरिया, उस एरिया में भी बीजेपी स्ट्रॉन्ग है, मतलब जहां बीजेपी स्ट्रॉन्ग थी उन एरियाज में हो रहा है और वोटिंग अच्छी दिख रही है इस समय में। बिल्कुल, लेकिन सुमित सर फवाद चौधरी साहब जो है वो मोदी जी से ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे, वो उनका ट्वीट आया था 2 दिन पहले, वो बोल रहे थे कोई ऐसी बात दोस्तों मुझे बताओ जिससे मैं तारीफ कर सकूं, और अगर मैंने वहां पे रिप्लाई किया था जिसके बाद उन्होंने भी मुझे रिप्लाई किया, तो आप बताइए कि वाकई में फवाद चौधरी ठीक कह रहे हैं। देखिए फवाद चौधरी की तो 2 चीजें हैं, पहली बात मैं एक आंसर दे दूं आपको, आपने बोला कि पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड करना चाहता है, भूल जाओ, ये कभी शुरू नहीं होगा, ये आप सपने लेते रहो, सपने में भी पूरा नहीं होगा, फिजिकली तो क्या होना है, इसलिए आप तो भूल जाओ। दूसरा, फवाद चौधरी ने पहले तो ट्वीट कर दिया राहुल गांधी इज ऑन फायर, अब उसका आंसर तो मिलना जरूरी है कि इसका मतलब क्या था कि राहुल गांधी इज ऑन फायर, उसका मतलब ये था कि क्योंकि राहुल गांधी मुंह से जो बोलते हैं तो आग निकलती है, तो अब उनकी तशरीफ में से भी आग निकल रही है, तो इसलिए फवाद चौधरी को पता लग गया कि राहुल गांधी इज ऑन फायर, वो रॉकेट की तरह 4 जून के बाद उड़ने वाले हैं, भारत से बाहर जाएंगे और जाते हैं कहीं ना कहीं बैंकॉक बुकॉक जाके वहां पर वो मेडिटेशन करने जाते हैं रात के टाइम पर, तो एक तो ये था कि राहुल गांधी इज ऑन फायर। दूसरा, मोदी जी में कोई अच्छाई फवाद चौधरी को देखने की जरूरत नहीं है, उनको बोलो पहले अपने आप में तो कोई अच्छाई ढूंढ लो यार, दूसरों की अच्छाई तो बाद में ढूंढी जाती है, पहले अपने आप में ढूंढिए, तो इसलिए वो जो डब्बू है, डब्बू ऐसे ही काम कर सकता है, जैसे हमने
इमरान खान को पैसे दिए थे कि तुम पाकिस्तान के टुकड़े कर दो, हम जो आपकी आर्मी है उसकी पतलून उठा के ले जाओ, आपको मालूम है इस चीज का। तो जैसे हमने ये काम किया था वैसे ही आपके भी वहां डब्बू जो है हमारे यहाँ पे जो पप्पू है उसको सपोर्ट कर रहा है, तो हम आपके पप्पू को सपोर्ट कर रहे थे, आप हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा ही होता है दुश्मन कंट्री से। आज जेल में इमरान खान के 4 डंडे एक्स्ट्रा पड़ेंगे, ये यहाँ स्टेटमेंट दे देते हैं, वहां इमरान खान एक्स्ट्रा कूटता है, सही काम करते हैं। अच्छा कल परसों में देख रहा था एक सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान की, पता नहीं सीनियर है कि नहीं लेकिन जर्नलिस्ट तो है, उन्होंने ट्वीट किया था कि इमरान खान ने एक आम का पौधा लगाया था, 4 साल बाद पता लगा नीम का है। हाँ वो खबर एक दिन पुरानी थी, उन जर्नलिस्ट को भी एक दिन के बाद मिली है, और आप गरीदा की बात कर रहे हैं बिल्कुल, और ये होता है पाकिस्तान में, उन्होंने आम का पेड़ लगाया था लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो पता लगा नीम का है, तो अब उसमें खान साहब की तो कोई गलती नहीं है ना, वो बेचारे क्या करें, उन्होंने जब लगाया होगा तब तो बीज ही डाले होंगे ना, या इतना सा पौधा लगाया होगा क्या पता क्या है। लेकिन इमरान खान को ये नहीं पता लगा कि आम का बीज और नीम के बीज में फर्क होता है। नहीं वो उन्होंने पौधा लगाया था, नहीं उन्होंने पौधा लगाया था, मैं वो बीज में नहीं, पौधा लगाया, अच्छा पौधा मुझे लगता है रोहित जी ने भेजा था ये पौधा, हाँ। भी इनकी तरफ से गया, तभी ये इतने कंफर्ट बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि पौधा लगाया था, उन्होंने बीज नहीं लगाया था। अरे यार कुछ ठीक करने जाते हैं वो भी उल्टा हो जाता है, इमरान खान कुछ भी करने जाते हैं उल्टा हो जाता है। हाँ मुर्गियां, उन्होंने मुर्गियां दे रही थी, मुर्गे दे दिए थे, वो कहते अंडे क्यों नहीं निकल रहे, ये तो हालत है इमरान खान की, वही ना यही कुछ चल रहा था। जी जी रॉय, एक्चुअली जब भी कभी कोई वीआईपी लगाता है तो वो पौधा लगाया जाता है, कभी भी बीज नहीं लगाया जाता, आप हमेशा देखेंगे वीआईपी पौधे, ठीक है। अरे यार छोटे पौधे के भी पत्ते और आम के पत्ते में फर्क होता है, इतना तो दिखेगा, कौन से नशा लेकर के वो किया था जो उन्हें इतना वाला पत्ता कितना बड़ा दिख रहा था, वो आरजीवी का मालूम है, आरजीवी को मालूम है, ये तो एक आरोप और लगा दिया आरजीवी का आपने। अच्छा ये मेरे पर एक और एलिगेशन, हाँ ठीक है वो, क्योंकि मैं रोहित जी से लेके मैं ही वहां तक पहुंचाती थी। नहीं आरजू जी को मालूम है, इसका मतलब आरजू जी इमरान खान से मिली हुई है, अब आरजू जी भी उसी जेल में होंगी जिसमें इमरान बैठा है, याद रखना। बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं नहीं यार कुछ शुभ शुभ बोले, मतलब सुबह सुबह शुरू हो गए अजीब अजीब बातें करना। देखो आरजू जी, जब हमने एक आदमी को जानता हूँ जो बहुत दिन से कोशिश कर रहा है जेल चला जाए, जा नहीं पाया अब तक। हाँ वो मैं भी जानती हूँ, आप भी शो में भी नहीं आ रहा, मुझे भी टाइम नहीं दे रहा है, मैं आज उसको फोन करती हूँ, सीधा करती हूँ, समद की बात कर रहे हैं, मैं नाम भी ले लेती हूँ ताकि समद को क्लिप भेजूं, समद तुम्हारा जिक्र हो रहा है। इससे पहले मैंने उस जर्नलिस्ट का नाम नहीं दिया था, अब मैंने उस पॉलिटिशियन, मतलब राजनीति उतारे लेना इसी शो में, किसी को छोड़ना मत। अभी एक चीज रह गई है सुमित सर, एक चीज रह गई जो मैंने आपको बताया, इसने मुझे रात के 2 बजे फोन किया कल रात को, ठीक है मुझे फोन किया 4 बजे अच्छा मुझे 2 बजे MBS पे इसका मतलब है, देखा भाई तू ही बना उसके ऊपर वीडियो, मैं पिछले लोगों को भुगत रही। यार एक बात बताइए, डिफेंस में जितनी खबरें आती हैं सारी सोर्स बेस्ड खबर होती हैं, इंटरनेशनल पे सारी सोर्स बेस्ड खबर होती हैं, क्या अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्ब्स कहां कहां डिप्लॉयड हैं, पाकिस्तान के कहां कहां डिप्लॉयड हैं, चाइना के कहां कहां डिप्लॉयड हैं, क्या प्रेसिडेंट ने साइन करके दिया था यहां है, सारे इतने सारे आर्टिकल्स हैं, ये सारी सोर्स बेस्ड खबर होती है और सोर्स बेस्ड खबर चलाई जाती है, कौन सा ऐसा चैनल है, कौन सा ऐसा वेबसाइट तुम चला रही हो ना, वो सारे जो मेरे पीछे पड़े थे सब लोग, तो वो तो आपको तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं ना, मुझे ही धोरे जा रहे हैं मैडम। मैंने आज से 5 या 6 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, और उस आर्टिकल में ये लिखा था कि जब LTTE की वॉर हुई थी उस समय ये खबर आई थी कि प्रभाकरन की बेटी मारी गई है, मैंने उस आर्टिकल में लिखा था नहीं प्रभाकरन की बेटी मारी नहीं गई है, खबरें ये हैं कि प्रभाकरन की बेटी वहां से निकल चुकी है और माँ भी बीवी भी निकल चुकी है प्रभाकरन की, वाइफ भी। जस्ट मिनट इस नवंबर में प्रभाकरन की बेटी ने एक वीडियो रिलीज कर दिया है, वो सिर्फ सोर्स बेस्ड खबर थी, मेरी वो खबर भी 5 साल बाद से कंफर्म हुई है। तो
तो सर 5 साल में मैं तो मतलब ऊपर चली जाऊंगी, लोग मुझे इतना धो रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, मतलब मेरी फोटो में हार लग जाएगा 5 साल में तो। इसलिए वो खबर आपको मुबारक हो MBBS की, जब बिल्कुल से मतलब हो जाए, कंफर्म हो जाए, पिक्चर आ जाएगी, फिर आप कुछ कह रहे थे सुमित सर? जी जी पहले बात तो मुझे ये पता क्या, आज तो मुझे लगता है कि एक चीज कंफर्म हो गई है कि आपने रात को बहुत ज्यादा दारू पी हुई थी, 2 बजे थे 4 बजे थे, मतलब कि इसी में उल्टा उजड़ा 2 के 4 दिख रहे थे आपको, ये तो हालत है, तो दारू थोड़ा कम किया गया जी। और एक बार ऐसा हुआ कि एक बच्चे ने पूछा अपने फादर से, एक बच्चे ने अपने फादर से पूछा कि ये कैसे पता लगे किसी आदमी ने बहुत पी रखी है। वो बोला कि ये सामने 2 ग्लास है ना बेटा, जब ये 4 देखे तो समझ लो कि बहुत पी रखी है। बोला पापा ये तो एक ही ग्लास है। तो सोचिए कि 4 किसको दिख रहा था, सुमित सर सोचिए 4 किसको दिख रहा था, मुझे तो 2 दिख रहा था, क्योंकि उन्होंने कॉल ही 12 बजे किया था, तो आपने आधी बोतल पी थी, उन्होंने पूरी बोतल पी हुई थी। जो रात वाला वीडियो जिसकी बात कर रही है वो मैंने 5 बजे लगाया सुबह, 4 बजे मेरे को ये खबर मिली है, और ये चारों ओर थी खबर, ठीक है, लेकिन हाँ कंफर्म नहीं थी। मैंने भी खबर दे दी अपनी तरफ से, बता दिया कि कंफर्म नहीं है, लेकिन 4 बजे मैंने इन्हें बताई थी और 5 बजे मैंने अपना वीडियो लगाया था सुबह। आरजू जी पहली बात यह है कि जो MBBS वाली खबर है, वी डू नॉट नो कि ऑथेंटिक है नहीं है, कुछ वैसा हुआ है, बट एक चीज कंफर्म्ड है कि अगर इसमें इतना सा भी सच हुआ कि 3 पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे इस पूरे प्लॉट को करने के लिए, ये भी बात आई है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे उसके अंदर, अगर ऐसी कोई खबर हुई तो आप समझ लीजिए आपके जितने भिखारी वहां बैठे हैं वो सारे वापस आने वाले हैं, और आपके वहां पर कराची में ऑलरेडी 4 लाख भिखारी ऑलरेडी आ चुके हैं, उसके बाद क्या होगा मुझे समझ नहीं आती। लेकिन ये खबर भी आई है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे। अरे ये खबर कहाँ आई है, मैंने तो नहीं देखी, सोशल मीडिया पर भी बस ऐसी खबर चल रही है, लेकिन खैर रोहित ने मुझे जैसे ही बताया मैंने उसी वक्त सोच लिया कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। रोहित जी की कोई भी वीडियो जो आइए बताते हैं आपने बनानी ही बंद कर दी है। अरे वो छोड़ो ना, देखो एक चीज याद रखना यार, अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हो तो आपकी कलम में दम होना चाहिए। आपने लिखा तो आपके अंदर दम था इसलिए आपने लिखा, आप डरे नहीं, आप सच्ची खबर भी दो तो भी। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी 50 सच्ची चीजें बोलते हैं, ओपोजिशन उसे कंडेम करता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इतने सारे सच बोल रहे हैं अपनी मीटिंग्स में, क्या उनको अटैक नहीं किया जा रहा है? क्या किसी जर्नलिस्ट को हमसे पहले अटैक नहीं किया गया? क्या लोगों ने भगवान राम के खिलाफ नहीं बोला या प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ नहीं बोला? क्या वो अपने काम से हटे? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी हटे? मैं कैसे हट जाऊं? ये अपने ना स्टैंडर्ड एलिवेट करने का तरीका होता है, बल्कि श्री राम प्रॉफेट मोहम्मद और रोहित शर्मा बल्कि तीनों सेम कैटेगरी। और अब लोग बोलेंगे कि लोग इतना नॉन सीरियस शो करते हैं, अभी एक मैडम बैठ जाएंगी वीडियो बना। मैं इन तीनों का चेला हूँ, शिष्य हूँ, अनुयायी हूँ, मैं इन्हीं के रास्ते पे चल रहा हूँ। बस आज से मैं हर जो न्यूज मिलेगी मैंने वीडियो बनानी, इतना इसने मुझे मोटिवेट कर दिया कि अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे जो देखो हो जाए। इनका जो मोटिवेट का मतलब है आप मोटी हो गई हैं, अपना वेट जाके चेक कर लीजिए। दिस वाज अ गुड वन। नहीं नहीं यार मैं नहीं हुई हूँ मोटी, बिल्कुल डोंट वरी। एक वीडियो भी था ना थैंक्स फॉर योर गाइडेंस, तो हिंदी ट्रांसलेटर बोलता है गाय के डांस के लिए शुक्रिया। वही ट्रांसलेशन हो रहा है यहाँ पे। ऐसा ही है। और हम बहुत जल्दी फिर भी लेंगे, या तो सुमित सर बुला लेंगे जो बुला ही नहीं रहे, या फिर रोहित सर बुला लेंगे, वो भी नहीं बुला रहे मुझे नहीं। मैं यकीन करती हूँ हम तीनों आपको फिर दोबारा दिखेंगे और हम इसी तरह की न्यूज लेकर आएंगे जैसे हमने आज बताई, मतलब जाएगा किसी का सर होगा ना पैर होगा उस न्यूज का, लेकिन हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ यू कि आज आपने ज्वाइन किया। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह इन तीनों दोस्तों की बातें आपको काफी एंटरटेनिंग, मजेदार और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बातों बातों में इन्होंने एक दूसरे की टांग भी खींची, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को भी डिस्कस किया और जो भारत में चुनाव हो रहे हैं उनके बारे में भी बात की और आपने देखा कैसे हंसी मजाक के साथ साथ हमें काफी सारी जानकारी भी दी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारे देश में तीसरे चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी इस बार सरकार बना पाएगी? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।